अन्नपूर्णा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम बना रहे हैं दर्शकों पनीर कोफ्ता, जो हमने ये तल लिए हैं। और अब हमने एक कढ़ाई रख ली है, तो उसमें हम तेल डालेंगे। सरसों का तेल मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। आप किसमें पसंद करते हैं, घी, देसी घी में या रिफाइंड में, आप उसमें बना सकते हैं। पनीर कोफ्ता सबको पसंद होता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको ही। और अच्छा भी बहुत लगता है, टेस्टी लगता है। तो दोस्तों हमने घर में ही पनीर बनाया था और उससे ये हमने बनाए हैं, ठीक है। बाहर से नहीं मंगाया, हमने घर में ही पनीर बनाया था, तो उससे ही बना रहे हैं हम। देखो जैसे हम बना रहे हैं, आप भी बनाइएगा घर में पनीर बना के, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे। इसमें हम दोस्तों खड़ा तेज पत्ता डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, खुशबू के लिए, जो बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे, जो हमने पीसा है, प्याज टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का सब मिला के। प्याज टमाटर अदरक लहसुन ये सब कुछ मिक्स करके हम अगर बनाते हैं ये सब्जी, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम बिल्कुल ढाबे के जैसा। जैसे ढाबे में मिलती है ना, कैफे में मिलता है खाना, बिल्कुल हलवाई में जैसा, उसी जैसा हम भी बना रहे हैं दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से बना, बहुत बढ़िया लगता है। बाहर कम जाएं, पैसा कम खर्च करें बाहर, लेकिन जिसकी खाने की आदत है वो तो खाएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम। अगर घर में बना के खाएंगे तो आपका पैसा कम खर्चा होगा दोस्तों। हम बिल्कुल उसी के जैसे खा सकते हैं बाहर रेस्टोरेंट में, जैसे हम लोग खाते हैं। अपने हिसाब से हम मिर्ची डाल देंगे, जितना हमको पसंद है, ज्यादा तीखा नहीं। हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा हम कलर डालेंगे, दही डाल देंगे, थोड़ी हींग डालेंगे, और हींग से स्वाद भी अच्छा आता है और हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती है। हर चीज में हम अगर किसी में सब्जी में हींग डाल के खाते हैं तो बहुत ज्यादा ही सही रहता है, बिल्कुल नुकसान नहीं करता, तो हींग तो जरूर डालना चाहिए। इसमें थोड़ी हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, खुशबू के लिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे। जितना अच्छा हम घर पे बना के खा सकते हैं उतना बढ़िया रेस्टोरेंट में मिलता है।
लेकिन घर पे मन चाहे चीज खा लेंगे। हम इसमें थोड़ा एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। अगर आप बटर डालना चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है खाने में और टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर हम घर में बनाते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। क्योंकि पनीर हम पहले से बना लेते हैं, उसकी तैयारी करके रख लेते हैं। मसाला अच्छे से भुन जाए, और अगर मसाला अच्छे से भुन जाता है तो दोस्तों ये जो तेल रिफाइंड हम जो भी खाते हैं मसाले में से अपने आप छूट जाता है, तो समझो मसाला बहुत अच्छे से भुन जाता है और बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। प्याज मसाला जो भी है सारे भुन जाते हैं, तभी तेल छोड़ देता है मसाला, है ना। और जब तेल छूट जाए तो समझो मसाला भुन गया, तो बहुत बढ़िया लगती है। उसके बाद ना फिर बनने का कोई टाइम वो ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है ना। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा मसाले में भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा मसाले में भून जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें हम ये इसका जो पनीर का पानी है इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने मसाला भी अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना तीखा पसंद है, कैसे पसंद है, आप उस तरीके से रख सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा हम मसाले में अगर भून के बनाते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे। इस तरीके से हम चलाएंगे ऐसे तो बिल्कुल फटते नहीं है, बिल्कुल सही रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया। देखिए एकदम साफ और साबुत दिख रहा है ना, कहीं से कोई फटने का डर नहीं। अगर हम जल्दी जल्दी चलाएंगे तो थोड़ा चम्मच वगैरह ये लग जाए, करछी वगैरह तो लगता है। हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ग्रेवी के लिए। इतने सारे मेरे ये बने हैं क्योंकि मैंने 2 पैकेट दूध का बनाया था पनीर, तो अच्छे से देखिए कोई कमी नहीं है, कितने बढ़िया। देखिए इतने सारे बन गए हैं कि कम से कम हम 8-10 लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों घर पे बनाइए और खाइए, कहाँ रेस्टोरेंट में जाएंगे आप, है ना। खर्चा बचाइए, घर पे बनाइए और आप भी खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए और अपनी तारीफ भी सुनिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है, कसम से आपकी इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे, पूछेंगे आपसे कि आपने कैसे बनाए, तो आप बताएंगी कि मैंने इस तरीके से बनाए। तो दोस्तों हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है,
अब मुझे इसी तरीके से रखना है ग्रेवी। इसको हम चाहे चावल के साथ भी खा सकते हैं, देखिए रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत मजे से, बहुत बढ़िया मजेदार बनी है। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो इस तरीके से घर में बनाएं पनीर कोफ्ता और खाएं, एंजॉय करें, बहुत बढ़िया टेस्टी बनता है। अब मैं गैस को कर रही हूँ बंद, ये अब मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर से ये डालूंगी क्रीम, ये डाल के हम बनाते हैं थोड़ा सा, बहुत मजेदार टेस्टी लगती है ये। तो दोस्तों जैसे मैंने बनाई है आप भी उसी तरीके से बनाना ये रेसिपी, और आप खाना, आप एंजॉय करना और अपने मेहमानों को खिलाना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका साथ, आपका प्यार मिलेगा तो दोस्तों मैं इसी तरीके से एक नई वीडियो बनाती रहूँगी, अच्छे अच्छी अच्छी, और आपकी सपोर्ट की, आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।